नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की। थाना पनवाड़ी अंतर्गत रसी ढाबा के पास ई रिक्शा पलट गया। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज किया जा रहा है। 2 लोगों को गंभीर हालत में देखते हुए महोबा रेफर किया गया। जानकारी अनुसार चालक मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि बगल में बैठे सवारी को नींद लग गई थी और वह मेरे हाथ पर गिर गई, जिससे हाथ का बैलेंस बिगड़ गया और ई रिक्शा पलट गया। महोबा से केकेआर न्यूज के लिए समीर खान की रिपोर्ट। केस आया है ई रिक्शा पलटने का, इसमें क्या है पोजीशन, कितने लोग घायल हैं? इसमें हमारे पास 4 पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 पेशेंट थोड़े गंभीर स्थिति में हैं, उनको दर्द की काफ़ी शिकायत है, फ्रैक्चर की संभावना है। बाकी 2 पेशेंट को मामूली चोटें आई थी, जिनका मरहम पट्टी और दर्द की दवाई देकर उनको फ्री कर दिया गया है। 2 पेशेंट को महोबा रेफर किया गया है, क्योंकि फ्रैक्चर की संभावना है। सर नाम क्या है, कौन सा पद है? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, मेडिकल ऑफिसर, CSC पनवाड़ी। क्या घटना? मन्नालाल। क्या घटना हुई, कहाँ पर? वो रिक्शा पे हम बैठे थे, आज बाजार आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? नकरा से आ रहे। कहाँ जाना था? तो कहाँ जाना था? हम पनवाड़ी आ रहे थे अपने बाजार के लिए। अच्छा, तो उसने जाना, उसको क्या हो गया, उसने बैग आके एकदम से लगा दिया, सुनने से हम लग गए पसुरिया में लग गया। कहाँ पे पलटा रिक्शा? रसी ढाबा। कौन कौन, कितने लोग सवार थे उसमें? कन्ही लाल, पन्ना लाल, जोहरिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।